बसपा सुप्रीमो मायावती 15 जनवरी को 63 साल पूरे करेंगी। मायावती यूपी ही नहीं देश की राजनीति में ऐसी नेता हैं जो सत्ता में रहें या नहीं, लेकिन उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कभी मायावती माया की देवी कही गई, तो कभी एक सख्त प्रशासक। साल 2014 के आम चुनाव में बसपा तमाम दावों और कवायदों के बीच अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी। आज वही बसपा एक बार फिर नए रंग नए रोल में नजर आ रही है। 2019 का लोकसभा चुनाव मायावती और अखिलेश की सपा से गठबंधन के इर्द गिर्द घूमने लगा है। 1989 में मायावती ने बिजनौर लोकसभा सीट से अपनी किस्मत आजमाई और इसी सीट से वह पहली बार लोकसभा में पहुंची। 1989 में पहला चुनाव जीतने के 6 साल बाद ही मायावती 1995 में उत्तर प्रदेश में दलितों के मसीहा कहे जाने वाले कांशी राम की बसपा से सत्ता में आई। मायावती देश के सबसे बड़े सूबे यूपी की मुख्यमंत्री के साथ ही पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बन गयी। मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी। देश की राजनीति में मौजूद नेताओं में मायावती अकेली ऐसी नेता हैं जो किसी भी राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री रही। अपने मुख्यमंत्रित्व काल में मायावती एक सख्त प्रशासक के रूप में बनकर उभरी। 2007 से 2012 के बीच की सरकार में मायावती ने कानून व्यवस्था संभालने के लिए तमाम ऐसे कदम उठाए, कार्रवाइयां की, जिससे उन्हें आज भी सख्त प्रशासक के तौर पर याद किया जाता है। सख्त प्रशासक के साथ ही मायावती अपने आदेशों का त्वरित पालन कराने वाली नेता भी बनी। 1985 के उपचुनाव से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाली मायावती ने 1989 में बिजनौर की लोकसभा सीट जीतकर राजनीतिक सफर की शुरुआत की और उसके बाद कभी मायावती ने पलट कर नहीं देखा और देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही। इस 4 बार के मुख्यमंत्रित्व काल ने मायावती एक सख्त प्रशासक भी रही, लेकिन विवादों से भी तमाम नाते रहे। कभी स्मारक घोटाले में नाम आया तो कभी ताज कॉरिडोर में, तो कभी वो अपने महंगे जेवरात के लिए चर्चा में रहीं। एक बार फिर मायावती उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की सियासत में सरगर्मी से एक चेहरा बन गई हैं और अब देखना है कि 2019 का यह लोकसभा चुनाव मायावती के कद को कितना बढ़ाता है। ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से संतोष कुमार।